हर इंसान के जहन में ये बात घर कर गई है कि आज की पुलिस का रद्दअमल हमारे लिए तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन आज एक ऐसे ही इंस्पेक्टर सैयद नईमुद्दीन जावेद, जिनकी शख्सियत किसी की तारीफ की मोहताज नहीं, बाहसियत पुलिस इंस्पेक्टर इन्होंने कई कारनामे अंजाम दिए जो कि काबिले फख्र है। चलिए जानते हैं इन कारनामों के बारे में। नईमुद्दीन जावेद गोलकुंडा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एक फर्ज शनास इंस्पेक्टर के अलावा फलाह व बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले और कौम की इसलाह की फिक्र रखने वाले दयानतदार ओहदेदार है। इस पुलिस स्टेशन में आए हुए बहैसियत एक साल का अरसा गुजरा है, लेकिन उन्होंने पुलिस और अवाम के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कायम करने की गर्ज से पीस फोर्स सोसाइटी तश्कील दी है, जो कि अवाम और पुलिस के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए कोशां रहती है और इसके वॉलंटियर्स अवाम के दरमियान फलाही प्रोग्राम रोबे अमल लाते हैं। उन्होंने एनसीसी की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट स्कूल्स में एनसीसी टीम के प्रोग्राम मुनक्किद किए।
कामरा बटालियन एनसीसी के कैडेट्स तकरीबन 240 आए यहाँ पर, लीडरशिप में सिद्दीक साहब के लीडरशिप में आए यहाँ पर। चार दिन पहले आके यहाँ पर रिक्वेस्ट दिए थे कि हम गुरुना इलाके में केयर एंड ग्रीन प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। इससे हमको भी काफ़ी खुशी हुई और अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह खासकर एजुकेशन स्कूल्स वगैरह हैं, वहाँ पर क्लीनलीनेस नहीं है, वो नहीं है। और एनसीसी कैडेट्स को जो है महीने में एक बार एनसीसी हो या आर्मी, हर जगह पर श्रमदान का प्रोग्राम होता है, जहाँ पर जो भी अपनी तरफ से वॉलंटियरली आके जैसे साफ सफाई करना, एरिया साफ रहना, अपना अब माहौल साफ सुथरा रहना, उसके लिए किए थे। आज वक्त दिए थे, आए लोग गुरुना गवर्नमेंट स्कूल ग्राउंड गुरुना फोर्ट के पास, काफ़ी मेहनत करके बचे, काफ़ी साफ सफाई करे, काफ़ी मुबारकबाद है बच्चों के लिए। हम यही एंथुजियाज्म का होना, ये लोग में और मैंने इंकरेजमेंट होना, ये लोग में मैं अवेयरनेस आने के लिए कि आइंदा भी ऐसे काम करते रहिए। खासकर ये लोग को यही बताया जा रहा है कि स्लम एरियाज को चुनिए, वहाँ पर भेजिए, जिससे ना सिर्फ वो साफ़ सफाई होगी महल्ले की, वहाँ के स्कूल में पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए माँ बाप में भी ये शऊर जागेगा, ये लोग में भी एक एहसास पैदा होगा कि भाई ये बच्चे यूनिफॉर्म में ये काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को भी हम एनसीसी में लेके आना या सोशल सर्विस करना, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा और एनसीसी का भी अच्छा नाम होगा। काफ़ी लोग को मालूम ही नहीं है, आज भूल गए लोग एनसीसी क्या है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स क्या है, नेशनल क्या है, सोशल सर्विस एनएसएस है, स्काउट्स एंड गाइड्स का है, काफ़ी लोग भूल गए। ये चीज़ अगर ये लोग में फिर से जागेंगी, बच्चे डिसिप्लिन होंगे, बच्चों में एक जज्बा होगा अपनी खिदमत करने का, लोगों की खिदमत, अवामी खिदमत करने का, लोग में जज्बा पैदा होगा। इसी सिलसिले में आज ये आए थे और काफ़ी कामयाब रहा, इंशाल्लाह आइंदा भी आते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा हो सके एरिया में सुधार आ सके, हर तरीके से कोशिश करें। अलावा अजी तातीलात में तालीमी शऊर बेदारी प्रोग्राम भी मुनक़िद किए, नज्म व नस्क को बेहतर बनाने और लोगों में सुधार पैदा करने के लिए और नौजवानों को बुरी आदत से बचाने की कोशिश की है और इलाके के लोगों को माली परेशानी से पैदा होने वाले मसाइल, लड़कियों के मसाइल पर अवाम के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए। तालीमी बेदारी के जुम्मन में मुस्लिम बच्चों को जो कि तेलुगु से नावाकिफ है, इन्हें तेलुगु जबान सिखाने की कोशिश की। इसी तरह जिनकी मादरी जबान तेलुगु है उन्हें उर्दू सिखाने की भी कोशिश की और दीनी तालीम का भी नज्म किया। शादीशुदा जिंदगियां नाकाम हो रही है, इस मसले को हल करने के लिए मुअल्लिमात व मौजिज असातिज़ा की खिदमात हासिल की गई। गरीब लोगों की तिब्बी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए मेडिकल कैंप कायम किए गए। सबसे पहले तालीम शऊर बेदारी बल्कि प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया, मुकामी नौजवानों की मदद से, खासकर नजीब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का सदर जो एक पीस कोर सोसाइटी बनाए, मदद से काफ़ी एक बेहतरीन पैमाने पर चार सौ लड़कों को तालीम दी गई है। इसमें खसूसियत से यह सिखाया गया है कि बच्चों को जुबान की तालीम दी गई है कि तेलुगु जुबान सीखे। ज़्यादातर यहाँ मुकामी जो नौजवान हैं, मुसलमान जो लोग हैं, वो तेलुगु से बिल्कुल नावाकिफ है, तो उनको तेलुगु जबान बातचीत करने की तालीम दी गई, उनको ट्रेनिंग दी गई। इसी तरह हिंदू लड़के जो थे यहाँ पर हमारे रामदेव गोड़ा, इब्राहिम बाग, शेखपेट के, उनको उर्दू की तालीम दी गई और जो बच्चों को दीनी तालीम का भी यहाँ पर रखा गया था। और इस समर कैंप में औरतों के लिए खासकर उनके जो मसाइल है, जो शादीशुदा जिंदगी है जो नाकाम हो जा रही, शादी हो रही है उसके बाद एक महीने दो महीने का प्रॉब्लम शुरू हो जा रहा है, तो उसके वजूहत क्या है, उसके लिए मौली माँ को रखे थे और रिटायर्ड टीचर से वो लोग आके उन लोगों को एक शऊर बताया कि किस तरह से जिंदगी गुजारना चाहिए, अगर मसाइल पेश आए तो किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। उसी के साथ मेडिकल कैंप भी रखा गया है और फुट पेट्रोलिंग के जरिए पीस कमेटी के लोग, नौजवान मोहल्ले के लोग को लेके गली गली में जैसे फुट पेट्रोलिंग पैदल दौड़ा करके वहाँ पर परेशानियाँ क्या मालूम करके उसके हिसाब से पेट्रोलिंग को भी इंक्रीज करें, रात के वक्त लोग बाहर ना फिरें, वक्त पर दुकानें बंद हो जाएं और घर पे चले जाएं लोग। साले रवां 23 साल बाद रमजान और बोनाल एक साथ आए, जिसके सबब नज्म व जब्त के मसाइल से निमटने के लिए गणेश जुलूस गुजरने के रास्ते में आने वाले मसाजिद के इंतजामिया से ख्वाहिश की गई कि तमाम मसाजिद में नमाज असर का एक वक्त मुकरर किया जाए। चुनाचे मसाजिद इंतजामिया ने पुलिस को मुकम्मल ताउन फराहम किया। इसी तरह गणेश जुलूस में शिरकत करने वाले नौजवानों को समझाया गया कि
تہوار تہذیب کا گہوارہ ہوتا ہے، اس موقع پر ایسے کام میں ملوث نہ ہو جس سے آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ان جلوسوں کے نوجوانوں نے پرامن انداز میں اپنا تہوار منایا۔ اس طرح سے دونوں عید و تہوار بہت ہی پرامن انداز میں گزر گئے، اور جاگنے کی رات نوجوانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ ادھر ادھر دھوم مچاتے ہوئے گھومنے پھرنے کے بجائے عبادات میں مشغول رہے۔ چنانچہ نوجوانوں نے اپنے طرز عمل سے کسی بھی شکایت کا موقع فراہم ہونے نہیں دیا۔ جو پہلی بار تیندے سال بار رمضان اور بونا لیک ساتھ مل کے آیا تھا گلگنڈے میں، چھوٹے راستے بہت تنگ ہیں، اس کے لیے ایک پلان بنایا گیا تھا جو سینئر آفیسرز کے حکم پہ بہترین پلان بنائے تھے کہ لوگ کس طرح سے آنا کس طرح سے چلے جانا، جس کی وجہ سے کافی پرسکون ماحول میں رمضان اور بونا گزر گیا، جس کے اندر ٹیمپل کے لوگ اور ان کمیٹی کا بھی بہت مدد ملی، اور مساجد جو راستے میں جو مساجد ہے وہ کورم بلا کے میٹنگ لی گئی تھی کہ اس پورے مہینے میں پورا مہینہ 40 دن تک تھا یہاں پر بونال کا تہوار، کہ آپ لوگ عصر کی نماز ایک وقت پر مقرر کیجئے تاکہ سب کو سہولت ہوں گی، تو وہ لوگ کا بھی بہت بڑا تعاون رہا جس کی وجہ سے پرامن طریقے سے رمضان اور بونال گزر گیا۔ اسی طرح گنیش بھی بالکل آسانی سے لوگ میٹنگ رکھے، جگہ گلی گلی میں میٹنگ رکھے تھے، محلہ کمیٹی میٹنگ بنائے، وہ لوگ سے میٹنگ رکھے، نوجوانوں کو سمجھائے کہ کس طرح سے پروسیشن میں لے کے جانا، کس طرح سے اپنی عید کو خوشی سے منانا، لڑائی جھگڑا نہیں کر کے کس طرح سے کرنا، لوگوں کو کارنر میٹنگس رکھ کے سمجھایا گیا۔ اسی وجہ سے گنیش کا تہوار بھی بہت پرسکون اس میں گزر گیا۔ رمضان کی عید بقرعید جاگنے کی رات میں بھی کافی لوگ کو سمجھایا گیا کہ فضول وقت برباد نہیں کرنا، عبادت میں شب بیداری کرنا، اس پر کافی اثر پڑا ہے۔ اسی طرح سید نعیم الدین جاوید انسپیکٹر نے علاقے میں موجود گندگی کو دیکھتے ہوئے اسے صاف ستھرا بنانے کا بیڑا اٹھایا، اور این سی سی کے 250 کیڈیٹ کے ذریعے ایک بڑے علاقے کو صاف ستھرا بنانے کی کوشش کی، اور محلے میں قلعے کے اندر لوگوں میں ایک شعور جاگر کرنے کے لیے این سی سی کیمپ بھی حال حال میں بہت اچھے طریقے سے منعقد کیے، جو این سی سی کے صدر انوار العلوم کالج کے، انہوں کافی تعاون رہا، 250 کیڈیٹس کو گلگنڈا کو بھیجایا تھا گلگنڈا ایریا میں، اس میں صفائی کا خاص کر صفائی کی گئی بچوں سے لے کے گلگنڈا گورنمنٹ ہائی اسکول گلگنڈا پورٹ کے اطراف میں، جس سے محلے میں بھی کافی لوگوں کو انکریجمنٹ ملا کہ اپنے بچوں کو وہ این سی سی میں رکھا ہے تاکہ بچوں کو ڈریس میں دے کے انکریجمنٹ وہ لوگ کو مل رہا، اور آئندہ بھی اب سمر میں جیسے کافی سمر کیمپ پھر سے رکھنے کا لوگ کافی لوگ کر رہے ہیں، تو آئندہ یہ سال بھی ہالیڈیز میں بچوں کے لیے عورتوں کے لیے سمر کیمپ رکھا جائے گا۔ دواخانوں میں مریضوں کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، اس سلسلے میں بلڈ ڈونیشن کیمپ قائم کر کے نوجوانوں کو ایک اچھے مقصد کے لیے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے راغب کیا گیا، اور مالی طور پر پریشان لوگوں سے کہا کہ وہ مالی پریشانیوں کے پیش نظر جرائم کی دنیا میں نہ جائے، بلکہ ہمت و استقلال سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ان کی جانب سے جو بھی تعاون ہو سکتا ہے فراہم کرنے کا تیقن دیا۔ بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی رکھنے کا جو سو پروگرام بنا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کو فائدہ حاصل ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ کو تعلیم حاصل کرنے سے فائدے کیا ہے، کیونکہ آج جو بھی مسائل ہیں گھر میں معاشی پریشانی کی وجہ سے مسائل آتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی اگر مناسب روزگار نہیں ملا تو برائی کی طرف جرم کی طرف غالب ہو رہے ہیں، تو اس کی طرف توجہ کر کے ان کو کافی حد تک کافی ان کو ہر طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اچھے سے اچھا پڑھیے، روزگار سے جڑیے، اور روزگار حاصل کرنے کے لیے ان کو جس طریقے سے پولیس محکمہ سے مدد مل سکتی ہے، ہمارے کمشنر صاحب کا بھی یہی ہے، ہمارے ڈی سی پی صاحب کا بھی یہی ہے، پولیس کا یہی ہے کہ ایم کہ لوگ جرائم نہ کریں، وہ لوگ پرامن ماحول رہے، محلہ وغیرہ سب پرامن رہے تاکہ ترقی پا سکے۔ خاندانی نااتفاقی اور تشدد کے لیے فریقین کو بلوا کر افہام و تفہیم کے ذریعے پرامن زندگی گزارنے کی ترغیب دی گئی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی لڑکی کسی کے گھر کی بہو بن کر جاتی ہے اور وہاں اسے روزمرہ کے کام کاج کرنے پڑتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ لڑکی کو نوکرانی بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی سمجھایا گیا اور کہا گیا کہ لڑکی کی ذمہ داری گھر کے کام کاج کرنا ہوتا ہے، اس سے اجتناب کرے گی تو پھر خاندانی نظام میں تلخیاں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح
चंद लड़कियों की जानिब से ये शिकायत आती है कि ससुराल वाले उठते बैठते तंज या फिक्रे कसते हैं और शोहर भी बाहर आवारा गर्दी करता फिरता है, घर में जुल्म करता है। तो ऐसे खानदान को भी समझाया जाता है और इससे सुधर जाने की तवक्को की जाती है, और अगर वो सुधर जाते हैं तो ठीक, वरना इनके खिलाफ कानून के मुताबिक केस दर्ज कर दिया जाता है। ज्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस के जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं, ये बच्चे जो लड़की लड़की वाले जो है अपने बच्चों को कहने सिखा रहे हैं कि तुम घर में जब जाएंगे, किसी घर में बहू बन के जाएंगे तो घर में लड़की का बेसिक काम है घर में जैसे चावल देना, कपड़े धोना, खाना बनाना, शहर की खिदमत करना, लेकिन ये थोड़ा सा घर में बच्चे का जहन नहीं बना रहे, वैसे घर में भेजा रहे। जो लोग पढ़े लिखे घर में जाने के बाद थोड़ा बहुत बच्चों को अगर काम बोले ससुराल के लोग कि भाई जरा कपड़े धो लो या कुछ काम करे, या घर में कोई नौकर नहीं आए समझे, किसी वजह से नौकर आने वाले चले गए, तो ये लोग ये समझ रहे कि हमारे बच्चों को नौकर समझ रहे, काम दे रहे उससे, छोटी छोटी चीजों में इख्तलाफात आ जा रहे। तो उसको मैक्सिमम उनको समझा के करके काउंसलिंग के जरिए उनको आपस में मिला के भेजा दिया जा रहा है। और ज्यादातर लड़की को शादी करने के बाद नहीं छोड़ कर चले जा रहे ससुराल में रख के, उसकी वजह से भी वो भी कंप्लेंट ज्यादा आ रहे हैं। तो उसके लिए भी जो है सो लोग को समझा रहे कि भाई जब शादी कर लिए तो आप बीवी को साथ में रखिए ताकि मसाइल पैदा ना हो, क्योंकि शोहर लड़कों क्या कर रहा है, माँ बाप को किराए के घर में रखना, बीवी को अलग किराए के घर में रखना, उससे दूसरा मसाइल पैदा हो जा रहा है, वो खर्चा का बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी वजह से लोग बच्चों में तालीम को यानी उसको वक्त दे नहीं पा रहे हैं, आपस में मसाइल में ऐसा ना बच्चों का सबूल ज्यादा खराब कर रहे हैं। इंस्पेक्टर सैयद नईमुद्दीन जावेद ने सरपरस्तों से कहा कि वो अपने बच्चों के आदात व अतवार की निगरानी करते रहे, ये देखे कि रात देर गए ये बच्चे किधर गायब रहते हैं, कहीं ये सिगरेट गुटखा या शराब का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, या फिर मोटरसाइकिल लिए वक्त गुजारी के लिए सड़कों पर बर्क रफ्तारी का मुजाहरा तो नहीं कर रहे हैं, जो दूसरों की जिंदगी के लिए खतरा तो नहीं बन रहे हैं, और मोबाइल फोनों पर तूल तवील किसी से बात तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो गैर गलत आदतों में तो नहीं पड़ गए हैं, इनकी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए इनके पास पैसे कहाँ से आए, और नए नए मोबाइल खरीदने रकम कहाँ से आई, इसके लिए बाज पुरुष करे, क्योंकि बाज बच्चे अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए चोरियां भी करते हैं या गलत रास्तों से पैसे हासिल कर लेते हैं, इसीलिए अपने बच्चों पर निगरानी जरूर रखना चाहिए। गुलगुला पुलिस स्टेशन पे काम करने के दौरान ये देखा गया कि खासकर लड़कियां, बिल्कुल मुस्लिम तबके के लड़कियां हैं जो कॉलेज को आ रहे हैं, यहाँ पर बुरखे में रह रहे, ग्लव्स पहन रहे, सॉक्स पहन रहे, लेकिन हर एक के पास दो एक से ज्यादा फोन इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और रास्ते में गाड़ी पे भी अगर बैठे हैं तो फोन पे बातचीत, कॉलेज तक गए फोन पे बातचीत कर रहे हैं लोग, कॉलेज छोड़ कर कुतुबशाही गुम्बद, दक्कन पार्क और गुलगुना किला अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रहे हैं। ये देखा गया है कि लड़की बुरखे में तो जरूर है, ग्लव्स पहन के है, सॉक्स पहन के है, लेकिन जीन्स पैंट टी शर्ट पहन के घर से निकल रही है। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या माशरा है, किस तरह की जहनीत है। घर में जब वो लोग से इंक्वायरी की जाती है कि भाई आपके घर में कोई माँ बाप वालिदैन कोई आपको तवज्जो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, तो ज्यादातर ये देखा गया है कि इनके वालिदैन बाहर है, अब्रॉड में बाहर काम कर रहे हैं लोग, सऊदी में है, दुबई में है, अमरीका, ऐसा फॉरन कंट्रीज में है, और इनके पास इतने फीमती फोना है इनके पास कि समझ में नहीं आ रहा कि लोग क्यों दिलवा रहे हैं बच्चों को तालीम के लिए घर से भेजा रहे, लेकिन बच्चे तफरी बना लिए हैं। इसकी वजह यही मालूम होती है कि बच्चों पर नजर रखने वाला कोई नहीं है, घर में कोई बच्चे तालीम कॉलेज जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है, इसकी वजह से काफी हद तक माशरा बिगड़ चुका है, बच्चियां गलत रास्ते पर जा रही हैं। माँ बाप को चाहिए कि कम से कम महीने में एक या दो बार कॉलेज को जाए और मालूम करे कि आपकी बच्ची कॉलेज बराबर टाइम पे आ रही, कॉलेज होने के बाद जा रही, कैसा पढ़े, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, वरना
बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। देखने में आ रहा है कि कॉलेज से बच्चे बॉयफ्रेंड के साथ जाना, शादी कर लेना। हालात में यहाँ पर एक दो तीन केसेस भी आए पुलिस स्टेशन के, बच्चे कॉलेज बोल के घर से निकले, जाके अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ले, जिससे काफी माँ बाप की रिसवाई होंगी। आप इतनी मेहनत करके अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए, मेहनत का पैसा है, काफी पैसा है, फीसें भी बहुत बहुत ज्यादा फीसें हैं। आप इतनी उम्मीदें रख के बच्चों को भेजा रहे हैं तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं औलाद के ऊपर। आप उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर रही हैं, लेकिन आप उनपे रोजाना घर में अगर एक घंटा, माँ या बाप कोई भी घर में बड़े जो भी जिम्मेदार है, दादा दादी, नाना नानी या मामू, घर में जो भी बड़े है, बच्चों को कॉलेज से आने के बाद कॉलेज में क्या पढ़े, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप, पढ़ने समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आपको कॉलेज अच्छा है नहीं है, कोई बैठ के बात करने वाला नहीं है, जिसकी वजह से माशरा काफी हद तक गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं। ये तमाम लोगों से हम गुजारिश कर रहे हैं, और जो भी यहाँ पर बच्चे वैसे आ रहे हैं, हम लोग को काउंसलिंग करके समझा रहे हैं कि आपके माँ बाप इतनी मेहनत करके आप लोग को भेजा रहे हैं पढ़ने के लिए, क्यों आप लोग उनके अरमानों का कत्ल कर रहे हैं, उनको क्यों रुसवा और जलील करना चाह रहे हैं, जिससे बच्चों पर भी काफी असर हो रहा है, वो भी अपने गलती को महसूस कर रहे हैं कि और वो एक आइंदा से हम नहीं करेंगे। हम ये कोशिश कर रहे हैं और तमाम लोगों से ये गुजारिश करते हैं माँ बाप से कि आप बच्चों पर तवज्जो दीजिए, वरना कल के दिन हाथ से निकल जाएंगे, आपको सिर्फ पछताना पड़ेगा। और एक बड़ी ही एक अजीब सी बात है, जब हम उनके इन लड़कियों के जो यहाँ पर गुमराह होके घूमने आते रहे हैं, इंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, जब उनके वालिदैन को कांटेक्ट के अगर बताया जा रहा है कि भाई आपकी लड़की ऐसा यहाँ कर रही है, तो उल्टा वो लोग एहसानमंद होने के लिए कि आप अच्छा काम करें, हमारी बच्ची वो गलत रास्ते पर जा रही थी, आप उसको सही रास्ता दिखाएं, अच्छी बात बोले कहने के बजाय उल्टा वो लोग बुरी बातें कर रहे हैं कि क्या है आजकल के नौजवान हैं, बच्चे ये उम्र है, ये अन्य करेंगे तो कब करेंगे। ये बहुत बड़े शर्म की बात है कि ऐसा माँ बाप का अगर जहन रहेगा तो कैसा इनकी हालत अच्छी रहेगी। माँ बाप को चाहिए अच्छे बुरे को, ये हिंदुस्तान है, ये कहीं अमरीका नहीं है, लंदन पेरिस नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं। ये हमारा एक मजहबी मुल्क है, यहाँ पर मजहबी कानून है, यहाँ पर हमारे मुल्क का भी कानून है, जो इस चीज़ की बेहयाई की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। और एक बात एक ये आई कि यहाँ पर काफ़ी नौजवान लड़के जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, खासकर मोइनाबाद में जो कॉलेज है, वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे अच्छे घरों के बच्चे हैं, ये लोग कुछ पिकअप गर्ल्स के नाम पे कुछ लोग ये वाहियात किस्म के काम कर रहे हैं, यहाँ पर वो मुर्खे में बच्चियाँ लग रहे हैं, लेकिन हकीकत में जब देखा गया उनको तो ये काल गर्ल्स से पूरे, ये नौजवान बच्चे जो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, इनसे कई बीमारियाँ एच आई वी की बीमारी आ सकती, बहुत सी चीज़ें हो सकते हैं। बुरखे के आड़ में बुरखा पहनकर ये लोग गुमराह कर रहे लोगों को, गलत उसमें उलझा के जो है बच्चों को खराब कर रहे लोग, जो पैसे वाले बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, खासकर के इंटरनेशनल स्कूल के पास बंजारा हिल्स के रास्ते से आते हैं लोग, वहाँ पर ये लोग अपना निशाना बना रहे हैं। और ये नारसंगी रोड पर मेहदीपट्टनम के पास कहीं जहाँ यहाँ से वो लोग बच्चे लेके आ रहे हैं, उनको वो लोग को भी काउंसलिंग की गई और उनको वार्निंग दी गई कि आइंदा अगर ऐसा किसी के साथ बच्चों के साथ आएंगे कॉलेज के स्टूडेंट के साथ, तो उनके ऊपर भी केस बुक किए हैं, पेटी केस बुक किए हैं सीबीआई एक्ट के अंदर, जो प्रोविजन उसमें केस बुक करके उनको वार्निंग देकर छोड़ा है, आइंदा से अगर किसी दोबारा आऊंगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। घर के मर्द अफराद को भी चाहिए कि वो वक्त गुजारी के लिए रातों को देर तक बाहर ना रहे। मर्द आदमी जब बाहर रहता है तो घर में बच्चे और बड़े सब टीवी के सामने बैठ जाते हैं, जिससे तालीमी सरगर्मियां और घरेलू कामकाज में खलल पैदा होता है। अगर मर्द आदमी खुद घर पर रहा तो घर पर भी इसका कंट्रोल रहेगा। मर्द आदमी का काम है कि घर की किफालत करे और बच्चों की अच्छी तालीम व तरबियत करे, लेकिन वो बच्चों की तालीम व तरबियत पर तवज्जो नहीं देता, बल्कि कमाने की जानिब तवज्जो देता है। दौलत तो कमा लेता है, लेकिन बच्चे तालीम से दूर हो जाते हैं या तालीम में कमजोर हो जाते हैं। दौलत तो तमाम बच्चों में तकसीम होकर कम हो जाती है, लेकिन अगर तालीम तकसीम होगी
तो इसके मियार में बुलंदी आएगी। घर के लड़कियों की हौसला अफजाई करें और इन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए वह हौसला और तालीम याफ्ता बनाएं, ताकि अगर आइंदा जिंदगी के नशीब व फराज में कुछ परेशानियां आए तो लड़की खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अपने बच्चों को जरूर बजरूर दीनी तालीम दे, जिसके सबब बच्चों में बड़े बुजुर्गों का एहतराम और नेक काम करने का जज्बा पैदा हो। सैयद नईमुद्दीन जावेद ने कहा कि पुलिस को ये शौक नहीं होता कि वो किसी की बिला जरूरत रॉडी शीट खोले। सिर्फ ऐसे ही अफराद की रॉडी शीट खोली जाती है जो कि समाज व कौम के लिए नुकसानदा होते हैं और तकरीबी सरगर्मियों में मुलविस होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इनके आने के बाद चंद रॉडी शीट बंद करवाने के लिए आला अहदेदारों को सिफारिश इरसाल की, जिसमें दो की रॉडी शीट बंद हो गई। रॉडी शीटर्स को भी सोचना चाहिए कि अब इनकी बच्चियां भी बड़ी हो रही है, अगर इनकी रॉडी शीट खुली रहे तो इनकी बच्चियों की जिंदगियों पर क्या असरात मुरतब होंगे। इसी तरह चंद एक के बच्चे इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इन बच्चों को समाज कैसे कबूल करेगा? बड़ों की गलतियों की सजा बच्चों को मिलेगी, ये दुरुस्त नहीं है। इसीलिए रॉडी शेटर्स अपने अपने तर्ज अमल को बेहतर बनाए। बहरहाल पुलिस बेहतर समाज की नशो नुमा के लिए अमन व आमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने की पाबंद है, इसीलिए अवाम भी पुलिस के साथ अपना ताउन बरकरार रखे तो बेहतर होगा। वाज़े रहे कि सैयद नईमुद्दीन जावेद गोलकुंडा इंस्पेक्टर ने अब तक 21 साल की सर्विस मुकम्मल कर ली है। उन्होंने कई ब्रांचेस में अपनी खिदमात अंजाम दी, जैसे कि स्पेशल ब्रांच, स्पेशल टॉक्स फोर्स ईस्ट जोन और दीगर पुलिस स्टेशन जैसे शाहीनाथगंज पुलिस स्टेशन, रैन बाजार पुलिस स्टेशन, चादरघाट पुलिस स्टेशन वगैरह। अब फिलहाल गोलकुंडा पुलिस स्टेशन पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। नजरअंदाज करते हुए समाज के तय अपने फर्ज को बखूबी निभाती है और अपनी जिंदगियों की कुर्बानी देते हुए समाज की हिफाजत करते हैं। दोस्तों, ये थी इंस्पेक्टर सैयद नईमुद्दीन जावेद की जिंदगी की कुछ झलकियाँ। इसी उम्मीद और इसी वादे के साथ आपसे रुख्सत लेते हैं कि अगली बार दोबारा एक अजीम शख्सियत को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए फैक्ट न्यूज टीम को और सबा को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।